Hyundai Elite i20 के कौन से वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स ऑफर होते हैं और उनका प्राइस क्या है और इसका कौन सा वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है जो कि आपको खरीदना चाहिए और क्यों, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो गाइस अगर तो आप न्यू Elite i20 लेने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी ये वीडियो देख के आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे इसके बेस्ट वेरियंट को चूज करने में। गाइस शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट रिव्यू वीडियोस मिलती रहे। हे गाइस आई एम सिद्धार्थ लाल एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल टर्बोचार्ज व्हील्स। गाइस Elite i20 चार वेरिएंट्स में ऑफर होती है जिनका ऑर्डर वाइज नाम है बेस मॉडल एरा, फिर आता है मैग्ना प्लस, फिर स्पोर्ट्स प्लस और फिर टॉप मॉडल एस्ट्रा ऑप्शन। और जहां तक इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सीवीटी का सवाल है तो वो इसके पेट्रोल के सिर्फ दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, स्पोर्ट्स प्लस और एस्ट्रा ऑप्शन। तो गाइस शुरू करने से पहले एक बार ये देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड सेफ्टी और कॉमन फीचर्स आते हैं जो आपको इसके हर वेरिएंट में देखने को मिलेंगे, चाहे वो इसका बेस मॉडल हो, मिडिल या टॉप। Elite i20 के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, सीट बेल्ट विद प्रिटेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर्स, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग और इंजन इमोबिलाइजर जैसे फीचर्स मिलते हैं। और इसमें स्मार्ट पैडल भी आता है, मतलब अगर ब्रेक सप्लाई करते हुए गलती से आपसे एक्सेलरेटर पैडल भी प्रेस हो जाए तो उस टाइम पे एक्सेलरेटर पैडल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और सिर्फ ब्रेक्स ही वर्क करेंगी। Elite i20 के कॉमन फीचर्स में मैनुअल AC विद हीटर, फ्रंट पावर विंडोज, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, फ्रंट 12 वोल्ट पावर आउटलेट, लेन चेंज इंडिकेटर, ब्लैक फ्रंट ग्रिल, BNC पिलर ब्लैकआउट, बॉडी कलर्ड फ्रंट बम्पर, ड्यूल टोन रियर बम्पर, टैकोमीटर, बैटरी सेवर और क्लच फुटरेस्ट जैसे कॉमन फीचर्स आते हैं। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ड्यूल ट्रिप मीटर, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, लो फ्यूल वार्निंग, डोर एंड बूट ओपन वार्निंग और ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स आते हैं। और इसके AC में इको कोटिंग टेक्नोलॉजी भी आती है जो जर्म्स और बैड ओडर को केबिन में आने से प्रिवेंट करती है और फ्रेश एयर सप्लाई करती है। बेस मॉडल एरा में 14 इंचेस के स्टील व्हील्स आते हैं विदाउट व्हील कवर्स और इसमें ब्लैक आउटसाइड डोर हैंडल्स और रियर व्यू मिरर्स मिलते हैं। तो गाइस ये तो थे इसके स्टैंडर्ड सेफ्टी और कॉमन फीचर्स। इसके बेस मॉडल एरा में इन फीचर्स के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं आता और क्योंकि i20 एक प्रीमियम हैचबैक है तो इसके बेस मॉडल एरा को स्किप करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि लुक्स और फीचर वाइज ये वेरिएंट में आपको वो प्रीमियम एक्सपीरियंस नहीं फील होगा और i20 की लुक्स और रोड प्रेजेंस को भी ये वेरिएंट जस्टिफाई नहीं करेगा। और एरा से नेक्स्ट वेरिएंट मैग्ना प्लस, इससे अराउंड 75,000 और कॉस्टली है, लेकिन ये एडिशनल अमाउंट स्पेंड करना टोटली वर्थ इट है क्योंकि मैग्ना प्लस इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इन कॉमन फीचर्स के अलावा मैग्ना प्लस वेरिएंट में रियर पावर विंडोज, डबल डिन इंटीग्रेटेड इन डैश म्यूजिक सिस्टम विद 4 स्पीकर्स, 2 ट्वीटर्स, MP3, रेडियो, ऑक्स, USB एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड फोन कंट्रोल्स, रियर AC वेंट्स, कूल ग्लव बॉक्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, फ्लिप की रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, फ्रंट फॉग लैंप्स विद डे टाइम रनिंग LED लाइट्स, फुल व्हील कवर्स, फ्रंट मैप लैम्प, सनग्लास होल्डर, बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, फॉलो मी होम हेड लैंप्स, vanity mirror on passenger side sun visor, fixed driver armrest और glossy black front grille with chrome surround जैसे features मिलते हैं। Magna Plus variant में iBlue app भी मिलती है जिससे कि आप i20 के music system को अपने smartphone से control कर सकते हैं। अगर हम Magna Plus variant के additional features के price की बात करें तो आप Magna Plus के ये सब features Era variant में लगवा सकते हैं। अगर आप ये सब फीचर्स एरा वेरिएंट में लगवाएंगे तो आपके अराउंड 60,000 लग जाएंगे, लेकिन फिर भी रियर AC वेंट्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, सनग्लास होल्डर, फिक्स्ड ड्राइवर आर्मरेस्ट, पैसेंजर वैनिटी मिरर, फ्रंट मैप लैंप्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स एरा में लगवाने पॉसिबल नहीं है। तो गाइस इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैग्ना प्लस वेरिएंट का प्राइस जस्टिफाइड है और ये एक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी और प्रोपोर्शनेट वेरिएंट है number of additional features in comparison to additional cost point of view से। और तो और Magna Plus variant में जरूरत के वो सभी important features और कुछ premium features मिलते हैं जो आपके comfort और convenience के साथ Elite i20 की looks को और ज़्यादा enhance करते हैं। और अगर budget issue नहीं है
तो मैग्ना प्लस से नेक्स्ट वेरिएंट स्पोर्ट प्लस से ज्यादा सेंसिबल टॉप मॉडल एस्टा ऑप्शन खरीदना रहेगा। तो गाइस पहले एक बार आप इन दोनों अपर वेरिएंट्स के फीचर्स देख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। मैग्ना प्लस वेरिएंट के फीचर्स के साथ स्पोर्ट प्लस वेरिएंट में 17.77 cm टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद 4 स्पीकर्स, 4 ट्वीटर्स, आर्कमी साउंड, वॉइस रिकॉग्निशन थ्रू स्मार्टफोन ऐप, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मिरर लिंक, ऑक्स, यूएसबी एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रियर कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस, 15 इंचेस गनमेटल ग्रे अलॉय व्हील्स, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, पार्क एंड फोल्ड आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, टर्न इंडिकेटर्स ऑन आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, रियर डिफॉगर विद टाइमर, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, फ्रंट यूएसबी चार्जर, स्लाइडिंग ड्राइवर आर्मरेस्ट और रियर पार्सल ट्रे जैसे फीचर्स आते हैं। स्पोर्ट प्लस वेरिएंट ड्यूअल टोन कलर्स में भी अवेलेबल है, जिसमें स्पोर्ट प्लस वेरिएंट के फीचर्स के एडिशन में 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, फ्रंट टू यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स एंड वायरलेस चार्जिंग और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। टॉप मॉडल एस्टा ऑप्शन में 6 एयरबैग्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, स्मार्ट की एंड पुश बटन स्टार्ट, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद डे टाइम रनिंग एलईडी लाइट्स एंड कॉर्नरिंग लैम्प्स, 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, रियर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स, 2 फ्रंट यूएसबी चार्जर एंड वायरलेस चार्जिंग, क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल, रियर वाइपर एंड वॉशर, बूट लैंप, लेदर रैप्ड गियर नॉब एंड स्टीयरिंग व्हील, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, डोर क्लैडिंग, एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट। एस्टा ऑप्शन के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एडिशनली रियर पार्किंग सेंसर डिस्प्ले और सर्विस रिमाइंडर का फीचर भी मिलता है, और इसकी ड्राइवर साइड फ्रंट पावर विंडो में ऑटो अप डाउन और एंटी पिंच गार्ड का फीचर भी मिलता है, और एस्टा ऑप्शन में आईसी लाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी मिलता है, मतलब आप i20 के स्पीडोमीटर और डैशबोर्ड सेंटर कंसोल की लाइट की ब्राइटनेस अपने हिसाब से कम या ज्यादा सेट कर सकते हैं। और एस्टा ऑप्शन में ऑटो लिंक ऐप भी मिलती है, जिससे कि आप अपनी i20 के ये स्क्रीन पे दिए हुए इंपॉर्टेंट स्टैट्स और कुछ इन्फॉर्मेशन मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बचे हुए दोनों अपर वेरिएंट्स में से टॉप मॉडल एस्टा ऑप्शन खरीदना ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन है 3 रीजंस की वजह से। पहला कि आपकी सेफ्टी को और बेटर करने के लिए इसमें 6 एयरबैग्स हैं, और दूसरा रीजन कि एस्टा ऑप्शन के स्पोर्ट प्लस वेरिएंट से एडिशनल फीचर्स की कॉस्ट इन दोनों वेरिएंट्स के प्राइस डिफरेंस से ज्यादा है, और एस्टा ऑप्शन के कुछ फीचर्स स्पोर्ट प्लस वेरिएंट में लगवाने पॉसिबल नहीं है आफ्टर मार्केट से। और तीसरा रीजन कि टॉप मॉडल एस्टा ऑप्शन में एलीट i20 काफी ज्यादा स्टाइलिश, स्पोर्टी और अपमार्केट लगती है, और ये ही एक ऐसा अकेला वेरिएंट है जो एलीट i20 के प्रीमियम फील और अपील को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। गाइस एलीट i20 के सभी वेरिएंट्स के प्राइस डिफरेंस को एडिशनल फीचर्स पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, तो अपने बजट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप बेस मॉडल एरा को छोड़ के मैग्ना प्लस, स्पोर्ट प्लस और एस्टा ऑप्शन में से कोई भी एक वेरिएंट खरीद सकते हैं। एलीट i20 6 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, स्टारडस्ट, फेरी रेड, पैशन ऑरेंज, टाइफून सिल्वर, मरीना ब्लू और पोलर वाइट, और इसके स्पोर्ट प्लस ड्यूअल टोन में 3 कलर्स अवेलेबल हैं, फेरी रेड, पैशन ऑरेंज और पोलर वाइट। गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, और अगर ऐसा है तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही मेरे सोशल प्रोफाइल्स पे भी मुझसे कनेक्ट कीजिए, और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो कौन सी कार पे बनाऊं और क्या बनाऊं। और गाइस अगर आपको ये वीडियो नहीं भी पसंद आई हो तो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं कैसे इम्प्रूव करूं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।